हेलो गाइस, अनुभा गार्डनिंग चैनल में आप सभी का स्वागत है। गाइस, आज मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ जो सामने आप देख रहे हैं कटिंग्स। ये कटिंग्स मैंने 2 महीने पहले लगाए थे और इसकी जो ग्रोथ है बहुत ही अच्छी तरह से चल रही है। इसको बस रिपोर्ट करने की देर है। तो इस गर्मी में आप कौन सी कटिंग लगा सकते हो? अब जो गर्मी है इसमें आप कटिंग लगा सकते हो, आपकी कटिंग बहुत अच्छी तरह से ग्रोथ करेगी। या फिर जो बरसात आने वाली बरसात है, बरसात तो वैसे स्टार्ट हो गई है, तो अगले महीने से आपकी मॉनसून भी आने वाली है, तो अगर आप इस टाइम लगाते हो कटिंग्स तो आपकी कटिंग बहुत अच्छी तरह से चलेगी। तो आप लोगों को मैं बताऊंगी कौन कौन से कटिंग आप लोग लगा सकते हो। तो गाइस देखिए, ये है आपके डबल पैटर्न चांदनी, और इसकी कटिंग भी आप लगा सकते हो। इसकी कटिंग लगाते हो बहुत ही अच्छी तरह से आपकी चलेगी। ये देखिए इस किस तरह से इसकी ग्रोथ हुई है। ये देखिए बहुत ही अच्छी तरह से इसकी ग्रोथ हुई है। तो आप लोग भी ये लगा सकते हो चांदनी, किसी भी तरह से सिंगल पेटल की हो या डबल पेटल की चांदनी हो। तो अगर आप इस गर्मी में लगाते हो तो आपकी कटिंग बहुत अच्छी तरह से चलेगी। और नंबर 2 पे है आपकी, ये है आपकी मोगरा की। ये मोगरा, अगर आप इस टाइम भी मोगरा की कटिंग लगाते हो तो आपकी मोगरे की कटिंग भी बहुत अच्छी तरह से चलेगी। और जो इस बरसात है, बरसात में भी लगाते हो तब भी ये कटिंग आपकी बहुत ही अच्छी तरह से चलेगी। जो गर्मियों में आपकी फ्लावरिंग करते हैं उसकी कटिंग अगर लगाते हो बहुत ही अच्छी तरह से चलता है। और नंबर 3 पे ये देखिए, ये है मेरा गुड़हल हिबिस्कस। ये देखिए, इसके भी मैंने 4-5 कटिंग लगाई है, तो इसकी भी ग्रोथ अच्छी तरह से हुई है। तो आप लोग भी इस गर्मी में लगा सकते हो इसकी कटिंग्स। ये देखिए, और नंबर 4 पे है, ये है आपका गंधराज का। ये देखिए मैंने लगा रखी है गंधराज का। ये देखिए किस तरह से इसकी ग्रोथ हो रही है इस गर्मी में। अगर आप गर्मी में भी लगाते हो तब भी इसकी ग्रोथ हो जाएगी। बस कुछ ध्यान देने वाली बात है, इसको अगर आप कटिंग लगाने के बाद इसको छाए में रखना है और पानी ज़्यादा नहीं देना है, जब ज़रूरत हो तभी पानी देना चाहिए। तो गाइस, गर्मियों में आप कोई भी कटिंग लगाते हो तो छाए में रखना, धूप में नहीं रखना है। तो गाइस, इसके बाद आप देखिए, ये सामने है मनी प्लांट का। अगर आप मनी प्लांट की कटिंग लगाते हो तब भी आपकी इस मौसम में चल जाएगी। ये बरसात के मौसम में जो मनी प्लांट है आप किसी भी मौसम में लगा सकते हो। ये देखिए मैंने लगा रखे थे, और इसकी ग्रोथ देखिए, नीचे से इसके जो है रूट्स निकल आए। तो आप इस समय जो है मॉनसून या फिर गर्मियों में आप कटिंग लगा सकते हो मनी प्लांट की, इसकी भी बहुत अच्छी तरह से ग्रोथ हो जाएगी। बस थोड़े ध्यान देने की ज़रूरत है इसमें। आप जो भी कटिंग लगाते हो इसको छाए में रखना, धूप में मत रखना। उसके बाद आपका ये आता है गेंदे का या मैरीगोल्ड का। ये जो है गेंदे का, आप इस मौसम में कटिंग लगा सकते हो। इसकी कटिंग लगाने के बाद इसको भी छाए में रखना है, और इसकी भी बहुत अच्छी तरह से ग्रोथ हो जाएगी। और उसके बाद देखिए, ये है मेरा क्या इसको पोर्चुला कहते हैं या 9 o'clock कहते हैं, कई नाम है इसके। तो इसकी भी कटिंग आप लगा सकते हो। तो इस अगर आप इस टाइम लगाते हो बहुत ही अच्छी तरह से, इसकी भी बहुत अच्छी तरह से ग्रोथ होगी। इसको मैंने देखिए लगाया, 2 दिन पहले लगा रखा था इसकी कटिंग। ये देखिए, ये एक ऐसा प्लांट है, इसकी कटिंग हर मौसम में चलता है और हर उसमें चलता है। ये कभी मरता नहीं है, कटिंग जैसे मर्जी लगा लो, ये कभी सूखता नहीं है। ये देखिए, मैंने भी इसकी कटिंग लगा रखी थी। और आपको और एक मैं दिखाती हूँ, और इस टाइम और एक आप लगा सकते हो, ये है आपके गुलदावरी की। अगर गुलदावरी की आप कटिंग लगाते हो इस समय भी, तो इसकी भी कटिंग आपकी चल जाएगी। तो कटिंग लगाने के मेन जो सीक्रेट है मैं आप लोगों को बताती हूँ। जो भी आप कटिंग लगाते हो, ये जो लीव्स होते हैं, पहले तो इसको सबको कट कर देना है, सारे लीव्स नहीं रखना है। लीव्स अगर रखते हो तो उससे जो है कटिंग की एनर्जी मतलब उसमें चली जाती है, और आपकी जो कटिंग है वो सक्सेसफुली नहीं लगता है। तो ये पत्ते हटा देना, बस 2-4 पत्ते रख सकते हो आप ऊपर की जो होती है टॉप में, तो उसको मतलब रख सकते हो। तो ये जो है आपकी ये जो नोडी एरिया है ये वाला, तो ये आपके 1 या 2 तक आपके नीचे मिट्टी के अंदर जाना चाहिए, तभी ये आपकी रूट्स अच्छी तरह से निकलता है। क्योंकि यहीं से आपकी जो न्यू ग्रोथ स्टार्ट होती है, यही जो नॉड एरिया होता है
ये वाले, तो इसके मतलब यहीं से स्टार्ट होते हैं रूट्स। तो इसलिए आप जब भी लगाते हो कोई भी मतलब प्लांट लगाते हो तो ये जो नोडी एरिया होते हैं इसको एक या दो दो मतलब नोडी एरिया अंदर मिट्टी के अंदर तक जाना चाहिए, तभी आपकी जो है कटिंग बहुत अच्छी तरह से चलती है। तो गाइस इस तरह से आप भी इस गर्मी में बहुत सारे कटिंग्स लगा सकते हो और कटिंग लगाकर आप भी नए नए प्लांट बना सकते हो। और अगर आपके पास कोई प्लांट नहीं है फिर भी आप कहीं से कटिंग लाकर लगा सकते हो, इस गर्मी में लगा सकते हो, या फिर आने वाला जो मॉनसून का बरसात है बरसात में भी लगा सकते हो। तो इस तरह से आप अपनी जो गार्डन है इसको स्टार्ट कर सकते हो। तो गाइस इस तरह से आप अपने गार्डन को एक से दो, दो से चार प्लांट बना सकते हो कटिंग लगाकर। तो गाइस वीडियो कैसी लगी, अगर अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट कीजिए और मेरे चैनल अनुभा गार्डनिंग को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।